नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है बदनाश फटाफट कुकिंग शो में। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं कस्टर्ड सेवई। कस्टर्ड सेवई बनाने के लिए हमने कढ़ाई को हीट किया है और उसमें डाल रहे हैं 1 टीस्पून घी। यहाँ पर हमने लिया है सेवई डाल देंगे। इस कटोरी से हमने लगभग आधी कटोरी सेवई डाला है। इस सेवई को हम लोग हल्का सा भूनेंगे। हल्का गुलाबी होने तक इसे हम लोग भूनेंगे और ये अब सेवई लगभग भून चुका है। इसमें डालेंगे हम लोग दूध। दूध लगभग हाफ लीटर के आसपास हम लोग डालेंगे। जब तक हमारा सेवई होता है, यहाँ पर हमने आधी कटोरी कस्टर्ड पाउडर लिया है। ठंडे दूध से उसे मिक्स करेंगे। कस्टर्ड को हमने ठंडे दूध में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। सेवई हमारा पक गया है। इसमें डालेंगे हम लोग ये कस्टर्ड का घोल। इसे लगातार चलाते रहेंगे। कस्टर्ड अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसमें डालेंगे थोड़ी सी चीनी, लगभग 1 टेबलस्पून। चीनी अच्छी तरह से घुल गया है। अब हम लोग फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में डाल देंगे, करीब करीब 10 से 15 मिनट के लिए। जब तक कस्टर्ड सेवई ठंडा होता है, हम लोग एप्पल को काट लेते हैं। इसका छिलका उतार देंगे। सारा छिलका हमने उतार लिया है और इसको बारीक पीसेस में काट देंगे। सेव को हमने बारीक काट लिया है। 20 मिनट हो चुके हैं। हमने कस्टर्ड सेवई को फ्रिज से बाहर निकाल दिया है और आइए इसमें सर्व करते हैं। इसमें हमने थोड़ा कस्टर्ड सेवई डाला है और बीच में डालेंगे फ्रूट। फ्रूट में आप इसके साथ अंगूर और आम, बहुत सारा फ्रूट्स, केला, ये सब भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सेव डाला है और डाल रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा अनार, अनार का दाना इस तरह से डालेंगे। इसके ऊपर फिर से थोड़ा सेवई डाल देंगे, कस्टर्ड सेवई। इसके ऊपर थोड़ा सा चेरी, ग्रीन और रेड कलर में लिया है हमने, इसे टूटी फूटी भी बोलते हैं। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे। ये हमारा कस्टर्ड सेवई रेडी है। इसे फ्रीज में ठंडा करके इसे सर्व करें, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। कस्टर्ड सेवई बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको आज का ये रेसिपी पसंद आता है तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।